अयूब अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी अंसारी साहब, ये हम क्या देख रहे हैं तस्वीरों में? आप जेल का निरीक्षण करने पहुंचे और इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद थे? नहीं, वो मेरे साथ नहीं थे, वो लोग ज्यादातर लोग वहीं खड़े हुए थे जी, और उसमें जेल के कर्मचारी हैं पीछे, जिनकी तकलीफ आप जानते हो, एक विधायक जी। नहीं, अच्छा ये बताइए कि जेल के अंदर आपके साथ कितने लोग गए थे? मेरे साथ विधायक जी गए थे। कितने लोग गए होंगे फिर भी? हम दो लोग थे, विधायक जी और हम जी, विधायक यूसुफ अंसारी और मैं। सर मेरा बहुत साधारण सा सवाल है, कितने लोग गए थे? कितने लोग? दो लोग गए थे हम लोग। सर दो लोग गए थे, दो लोग में। सर इंडिया वॉइस पर यूपी की 6 करोड़ जनता आपको सुन रही है, तस्वीरें सामने चल रही हैं, आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि दो लोग आपके साथ गए थे अंदर? मैं यूसुफ अंसारी, विधायक मुरादाबाद जी, एनसीटी ने वो भी जाने के लिए कानून, और मैं भी, क्योंकि मैं छापा मारने गया था उधर जी निरीक्षण करने के लिए। अयूब जी, आप छापा मारने गए थे तो आपके साथ 20 लोग क्या कर रहे थे? तस्वीरें बयान कर रही है, बाहर खड़े हुए थे। बाहर खड़े हुए थे। अच्छा, जेल के अंदर जो 20 लोग आपसे चल रहे हैं वो कौन लोग हैं फिर? मेन जो मेरे साथ जाने वालों में है। सर, जो जेल परिसर का मेन गेट है वहाँ पर आपके साथ 20 लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और ये मैं सिर्फ बयान नहीं दे रहा हूँ, ये कोई चुनावी मंच नहीं है सर, जो हकीकत है टीवी स्क्रीन पर वो हम दिखा रहे हैं, यूपी की 6 करोड़ जनता देख रही है टीवी स्क्रीन पर। आप बताइए कि गेट के बाहर कोई भी खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता है? सर गेट के अंदर तो नहीं जा सकता ना, जा सकता है? आप बता दीजिए, खुद बता दीजिए, नियम क्या कहते हैं, मैनुअल क्या कहता है जेल का, क्या आपके साथ 20 लोग जेल के अंदर जा सकते हैं? आप हाँ भी भर दीजिए सर, मान लेंगे हम। कोई मेरे साथ बाहर खड़ा है सर, मैं फिर कह रहा हूँ आपके साथ बाहर नहीं खड़े हुए हैं, यूपी की 6 करोड़ जनता टीवी स्क्रीन पर आग गड़ाए देख रही है सर, आपके शब्दों को सुन रही है, आपके साथ 20 लोग नजर आ रहे हैं जो जेल के अंदर जा रहे हैं सर। जेल के गेट में कोई भी जा सकता है सर, लेकिन जेल के अंदर मुलाकात करने वाले लोग जाते हैं रोज। सर आपने दो बातें कही इंडिया वॉइस पर कि मुलाकात करने कोई भी जा सकता है, अभी आप ही ने इंडिया वॉइस पर कहा कि आप निरीक्षण करने गए थे। सिर्फ यूसुफ अंसारी थे, बाकी कुछ लोग जो भी जो दिखाई दे रहे हैं, अगर वो बाहर खड़े हैं या अंदर से निकल रहे हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आपके साथ फोटो क्यों खिंचा रहे हैं? आपके साथ जब वो बाहर आते हैं तो आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? ये तो लोगों को चार होता है, कोई नेता जाएगा उसके साथ फोटो कराएंगे। सर मतलब यूपी का दर्जा प्राप्त जेल राज्य मंत्री अगर जाता है निरीक्षण करने के लिए तो उनके चार्म में इतनी रौनक है कि कोई जब चाहे उनके साथ जा सकता है। क्या मैं आपके साथ जेल में 20 लोगों के साथ जा सकता हूँ? जाने वालों में विधायक जी है बस। सर लेकिन जो बाकी लोग है वो कौन है फिर? मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सर आप दर्जा प्राप्त जेल राज्य मंत्री है, आप पर जिम्मेदारी है बड़ी। मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। सर मतलब क्या तस्वीरों, जो तस्वीरें हैं वो उस पर आप क्या कहेंगे? तस्वीरों के बारे में आप बोलोगे, मैं क्या बोलूंगा? और दूसरी बात आपसे जानना चाहूंगा कि बिना नंबर प्लेट की आप गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या मुझे इजाजत है मुरादाबाद में बिना नंबर की गाड़ी प्लेट में घूमने की? मैं बिना नंबर की गाड़ी क्या है, वो अप्लाई फॉर जी, कौन सी गाड़ी है जी? फॉर्चुनेट गाड़ी है सर। फॉर्चुनर गाड़ी मेरी नहीं है वो। सर वो आपकी नहीं है सर, मेरी अपनी गाड़ी है इनोवा। नहीं तो वो गाड़ी किसकी है जो आपके साथ चल रही है सर? फिर चल सकती है, मैं कौन जिम्मेदार? अयूब अंसारी साहब एक बात बताइए, मैं गुजारिश है प्लीज, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये सवाल इतना गंभीर नहीं है, हम इसको सनसनीखेज मामला नहीं बना रहे हैं, बात है नैतिक जिम्मेदारी की, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर आपसे गलती हुई कि इतने सारे लोग आपके साथ गए? ये बात बताइए जी सर, अगर मेरे साथ लोग जाते हैं जी तो मैं आपको कह देता ये क्या इन्होंने चील का पहाड़ बना दिया बेवजह, जो कार्यकर्ता लोग खड़े थे बाहर। सर मैं फिर कह रहा हूं कि तस्वीरों में हम जो देख रहे हैं 20 लोग आपके साथ जेल के अंदर जा रहे हैं, बाहर नहीं खड़े हुए हैं वो, बाहर नहीं खड़े हुए हैं। फिल्म एक्टर के साथ लोग खड़े हो जाएंगे तो मैं आपसे वही तो जानना चाह रहा हूं कि आप अगर जेल का निरीक्षण करने जा रहे हैं तो क्या आपके साथ 20 लोग इस तरह से जेल के अंदर आ सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो वहां की फिर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? जेल से मेरा क्या लेना देना, जब तक मैंने विजिट करी, जब तक मैंने विजिट की, और बाहर कितने लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, मैं क्या करूं इस बारे में? सर आप जेल राज्य मंत्री हैं, आपके पूरा वो अधिकार है सर, आपने क्यों नहीं कहा उन्हें रुकने के लिए? लोगों को गेट के बाहर, या क्या आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था रुकना उन्हें? नहीं, जेल के बाहर से भगा, वहां पर जो पुलिस कर्मी है आपको सलाम फरमा रहे हैं, आप 1 मिनट में कह सकते थे कोई अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं कहा आपने सर?
अयूब अंसारी जी, इंडिया वॉइस पर यूपी की 6 करोड़ जनता आपको सुन रही है। मैं आपसे बार बार ये पूछूंगा, ऐसा क्यों हुआ? जो सिपाही आगे पीछे वो होंगे, जेल के अधिकारी वो होंगे। अच्छा, वो काम उनका था, मेरा कोई था? कौन अंदर जाएगा, कौन नहीं अंदर जाएगा, वो रोकेंगे, मैं रोकूंगा उसे? मुझे अपने आप जाना है और मेरे साथ विधायक जी, विधायक जी आई। अयूब अंसारी जी, मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या आप सर, मैं आपसे जाना नहीं चाहता हूँ जी, बस इसमें मैंने बता दिया आपको, मेरे साथ विधायक जी थे और वो कौन गया कौन नहीं गया मैं नहीं जानता हूँ, उनके बारे में ना मेरी कोई जानकारी है उनके बारे में। चलिए अयूब अंसारी जी, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।